नमस्कार और आदाब दोस्तों, हमारे इस न्यूज चैनल पर आप सभी निवेशकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि रिफंड प्रक्रिया चालू हुई है। दोस्तों, हम कहते आ रहे थे कि फरवरी से पैसा मिलना चालू हो जाएगा, फरवरी से रिफंड प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो दोस्तों, रिफंड प्रक्रिया बेशक चालू हो गई है, लेकिन ये चालू होने से कोई हमें खास लाभ नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक इलेक्शन देश पर ये सब कुछ किया गया है, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि 2500 वाली प्रक्रिया जो चालू की थी, उस 2500 वाली प्रक्रिया में लगभग 6 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन सबमिट किए थे, लेकिन दोस्तों कुल 1,30,000 लोगों को ही पैसा बताते हैं मिला है। लेकिन दोस्तों, मैं तो ये कहता हूँ कि 1,20,000 लोगों को अगर पैसा मिला है तो हमें इस बात का कोई यकीन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि दोस्तों, हमारे एक एजेंट भाई हैं विजय सर, उन्होंने 12 खाते जमा किए थे 2,500 वाले साइबर कैफे पर जाकर। तो दोस्तों, उनके 12 खातों में से एक खाते के भी पैसे नहीं आए, जबकि उनका आवेदन सही तरीके से सबमिट किया गया था, बिल्कुल सही तरीके से वेरीफाई हो चुका था। तो दोस्तों, जब 2500 वालों की ही प्रक्रिया का पैसा ना तो इन लोगों ने 6 लाख लोगों को दिया, और अगर 1,30,000 वालों को दिया तो उनको भी ना के बराबर दिया, क्योंकि दोस्तों हमारे पास इस तरह के कई सबूत है कि अगर किसी के पास, एक आपके पास अगर पैसा आया है तो वो भी 1200 रुपए आए हैं कुल 2500 में से, कोई कहता है 800 आए हैं। लेकिन दोस्तों, हमें इस बात से अगले रिफंड प्रक्रिया की चिंता हो रही है, क्योंकि अगला रिफंड प्रक्रिया एक सोची समझी रणनीति के तहत चालू की गई है, क्योंकि आप जानते हैं कि अरुण जेटली पिछले हफ्ते अमेरिका गए थे और वहां पर जाकर इन्होंने मीटिंग की कि अगर हमने कोई पल्स निवेशकों के या जितने भी चिट फंड हैं उन कंपनियों के लिए कोई आइटम तैयार नहीं किया तो 3 राज्यों की तरह जो हमारी हार हुई है, ये हार हमारी आगे भी होती रहेगी, क्योंकि इन्हें अपनी गलती का पता है, एहसास नहीं है दोस्तों, केवल पता है। और इसी के अंतर्गत इन्होंने वहां मीटिंग बिठाई थी और उसमें एक शेड्यूल निकाला गया कि इन लोगों को किस तरीके से रिफंड प्रक्रिया को चालू करके इनका दिमाग हटाया जाए, क्योंकि दामगढ़ पार्टी, आईएसओ पार्टी और जाने कितनी ऐसी पार्टी जो इनके सामने एक दीवार बनकर खड़ी थी, उस दीवार को गिराने के लिए इन्होंने केवल आवेदन ही मांगे हैं कि आवेदन कर दें सभी A to Z जितने भी हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं रखी गई है, चाहे किसी का 10 लाख का है वो भी आवेदन कर दे, चाहे किसी का 2000 का है वो भी आवेदन कर दे। तो दोस्तों, पैसा तो इन लोगों को देना नहीं है, क्यों नहीं देना, क्योंकि प्रॉपर्टी जो बिक गई है और जो बिकने से रह गई है उसका पैसा, ये एक पैसा भी किसी को देने वाले नहीं है, ये केवल हम लोगों का मूर्ख बनाया गया है, क्योंकि मूर्ख इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन लोगों को अपनी हार सामने दिख रही थी और हम लोगों को गुमराह करने के लिए इन्होंने ये प्रक्रिया शुरू की है, क्योंकि ये जानते थे कि 4 साल से भूखे भेड़िए की तरह अपने पैसों की तरफ देख रहे हैं सारे निवेशक, और इनको खंडित करने का एक यही तरीका है। और इस तरीके में इन्होंने प्रक्रिया आवेदन की इतनी लंबी कर दी, इतनी बड़ी आवेदन प्रक्रिया की है कि दोस्तों कोई साइबर कैफे वाला भी इसको पूरी तरीके से सबमिट नहीं कर पा रहा है और ना कर पाएगा, और कर भी दिए, मान लो कि सबमिट कर भी दिए तो पैसा कौन देगा, पैसा ये देने वाले नहीं है दोस्तों, ये मैं आज लिख के देता हूँ। पैसा अगर मिलता तो हमें ऑफिस के द्वारा मिलता, लेकिन दोस्तों ऑफिस के द्वारा हमें मिलना असंभव है, और
ये समझो कि बिल्कुल असंभव है, इसलिए क्योंकि इन्होंने पल्स प्रॉपर्टी को तो कब्जा ही है, साथ में पूरी जितने भी पल्स के वर्कर और जितने भी काम करने वाले थे सबको, सब हट चुके हैं, कहीं कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इसको एक तरीके से बस दोस्तों बर्बाद कर दिया पूरी तरीके से। कहाँ रह गए ऑफिस और कहाँ ऑफिस के कर्मचारी, तो हम लोगों का तो यो एक धूल में लठ मारने वाली बात हो गई कि ऑफिसों से पैसे बांटो ऑफिसों से। दोस्तों ये ऑफिसों से पैसे नहीं बांट सकते, और अगर ये हमारे हमदर्द होते तो ऑनलाइन सेवा को ये एक चलती फिरती वैन की तरह चला देते हर स्टेट में। अगर इनको हर स्टेट में ऑफिस भी नहीं दे रहे थे तो हमारे लिए ऑनलाइन प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए अपनी हेल्प देते, वैन चालू करते कि हाँ भाई ये इस स्टेट में हमने वैन घुमा रखी है, जितने भी पल्स निवेशक हैं ये इनके आवेदन यहाँ करेंगे, बिल्कुल फ्री में होंगे, किसी को कोई परेशानी होगी उनकी पूरी तरीके से हर डॉक्यूमेंट की सही तरीके से उनकी सहायता की जाएगी, किस डॉक्यूमेंट में क्या कमी है वो कमी को भी उन्हीं को दूर किया जाएगा। दोस्तों ये इन्होंने इसलिए नहीं किया क्योंकि इन्हें पता है कि ये सारे लोग बेवकूफ हैं, बस इतना कह दो कि पैसे मिलने चालू हो गए और आप सब लोग अपना रिफंड प्रक्रिया के आवेदन भर दें, बस इन लोगों के लिए इतना ही काफी हो और 3 महीने के बाद तो हम जीत ही जाएंगे, फिर कहाँ पल्स का पैसा और कहाँ ये इन्वेस्टर, रोते रहो चाहे कितना ही। तो दोस्तों चौकस हो जाइए, सावधान हो जाइए, भले ही आपने बॉन्ड जमा कर दिया, मैं ये नहीं कहता कि आप बॉन्ड मत जमा कीजिए, लेकिन आप बॉन्ड जमा कीजिए और पूरी फॉर्मेलिटी पूरी कीजिए, लेकिन पैसे की कोई गारंटी मत समझिए कि पैसा मिल जाएगा, पैसा आपका 1% भी नहीं मिलने का, तो हम 1% भी नहीं देंगे ये पैसा दोस्तों, क्योंकि आपके कोई 6 लाख कस्टमर ही आवेदन नहीं भरेंगे दोस्तों, 6 करोड़ से भी ज्यादा आवेदन भरे जाएंगे, और उन आवेदनों में कितनी कमियां चल रही है मैं आपको बता दूं, किसी बॉन्डकर्ता का रसीदे नहीं है, बॉन्ड है और जिसके बॉन्ड जमा हो गए उनके पास स्लिप है और स्लिप का क्या प्रावधान करना है वो तक नहीं लिखा, और जो बॉन्ड धारक मर गया है उनके बारे में भी कोई इन्होंने सही जानकारी नहीं दी है, क्योंकि सेवी विभाग हर जानकारी से अपने पल्ले झाड़ता है, कोई अगर उनसे पूछ लेता है कि कोई अगर कोई बॉन्ड धारक मर जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको नॉमिनेशन को किस तरीके से पैसा मिलेगा उसके बारे में आप हमें समझाइए। तो दोस्तों ये कह देते हैं कि ऊपर से हमारे कोई सूचना नहीं आई इस बात की, हम माफी चाहेंगे, सूचना आएगी हम आपको बता देंगे। तो भाई साहब ये इनका कंटेबाजी ऐसी है कि कहीं से कहीं तक आप लोगों का पैसा नहीं मिलेगा, बेशक ये आपकी रिफंड प्रक्रिया को चालू कर दिया है, लेकिन ये खाली डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह जमा करवा के और इस तरीके से हो जाएंगे, जैसे कि अभी जो फिलहाल 2500 वाली प्रक्रिया को इन्होंने छमिया बनाकर बिल्कुल कंडम कर दिया, कहीं से कहीं तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला, इसी तरीके से दोस्तों ये 6 करोड़ लोगों का आवेदन इसी तरीके से भटका देंगे और हमें पैसा नहीं मिलेगा। हम लोगों को संगठित होना है और संगठित होने के लिए हमें अपने पुराने स्टैंड पर खड़े रहना है, हमें सभी पार्टियों का समर्थन देना है, दामगढ़ पार्टी जिंदाबाद, ISO पार्टी जिंदाबाद, और हमारी जो साउथ स्टेट की जो पार्टी है उस पार्टी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है दोस्तों, हम नहीं भूल पाएंगे कि सुनंदा कदम जी जो है ये एक बहुत समझदार लेडी है और बहुत अच्छी समझ है इन लोगों को। दोस्तों इन लोगों का हमें पीछा नहीं छोड़ना है, सभी संगठनों के साथ हमें ताल से ताल मिलाकर चलना है, कदम से कदम मिलाकर चलना है, इन संगठनों को लेकर अगर हम चलेंगे तो दोस्तों हमारा पैसा मिलना आसान होगा, और अगर हम रिफंड प्रक्रिया में रिल कर इन लोगों का साथ छोड़ दिया तो दोस्तों हमें पैसा नहीं मिलेगा, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। तो इसलिए आप किसी भी संगठन को आप मत छोड़िए, संगठन के साथ रहिए, संगठित रहिए, आपका पैसा मिलना आसान होगा, ये गारंटी हमारी है। लेकिन रिफंड प्रक्रिया का जो प्रोसेस चलाया है वो बिल्कुल इतना खराब प्रोसेस चलाया है दोस्तों इनका, कोई भी 1 घंटे तक उस प्रक्रिया को नहीं समझ पाया, इतनी सब कुछ साइबर कैफे वाले तक की समझ में नहीं आया, तो दोस्तों आम आदमी की क्या आएगा। तो जिन लोगों ने जमा कर दिए हैं तो दोस्तों हम ये नहीं कहते आपने गलत किया, और जो करना चाह रहे हैं वो भी करें, हम ये नहीं कहते कि आप रिफंड प्रक्रिया में भाग ना लें, आप भाई भाग लें रिफंड प्रक्रिया में, लेकिन इसके पैसे की कोई गारंटी हम नहीं दे सकते, क्यों, क्योंकि ये लोग ही चालाकी से इन लोगों ने ये सब कुछ चालू किया है, ये सब
एक स्टैंड खड़ा किया है अपने बोर्ड को संभालने के लिए। मौजूदा सरकार ने ये उल्लू बनाया है और उल्लू बनाने में इसका सबसे बड़ा हाथ अरुण जेटली रहा है, क्योंकि अरुण जेटली एक ऐसा बंदा है जो सब कुछ जानकर जानबूझकर कंपनी को डुबाया है उसने, इसलिए क्योंकि उसे पता था कि कंपनी कुबेर का खजाना है और इस कुबेर का खजाने को अपनी पार्टी के हाथों में ही लुटवाना है। तो दोस्तों इतना बड़ा कुबेर का खजाना है कि मैं आपको बता दूं कि दुनिया के सबसे बड़े चैनल ऑस्ट्रेलिया के चैनल पर यह बताया गया है कि दुनिया में कोई इतना बड़ा चिट फंड कंपनी नहीं थी जितनी बड़ी पल्स कंपनी और पल्स कंपनी का साम्राज्य। इतना बड़ा कुबेर का खजाना दुनिया की किसी चिट फंड कंपनी के पास नहीं था। तो दोस्तों ये वो चिट फंड कंपनी है जिसको ये लोग हजम करना चाहते हैं, इसका पैसा हजम करना चाहते हैं और आपके और हमारे पेटों पर लात मारकर ये अपनी तिजोरियां भरना चाहते हैं। काला धन इन्हें दुनिया में कहीं नहीं मिला, इन्होंने काले धन के लिए सारी दुनिया में भागे फिरे कि काला धन इनको किसी ने नहीं दिया। काला धन इन्हें जब दिखा तो अपने घर में दिखा कि यही काला धन है, इसको सफेद करके अपने घर में रख लो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, हम लोग आपको दूरंदेशी बात बताते हैं और जो बात बताते हैं बिल्कुल जैनमैन बात बताते हैं दोस्तों, क्योंकि हमने आंकड़ा लगा लिया था कि फरवरी के अंदर अंदर ये लोग पैसे की रिफंड प्रक्रिया चालू करने वाले हैं, क्योंकि दो महीने उसके रह गए हैं इलेक्शनों के और पिछले इलेक्शनों का रिजल्ट इनके सामने आ चुका है, इसलिए बहुत जल्दी ये रिफंड प्रक्रिया चालू करेंगे। हमने अक्सर अपने हर वीडियो में आपसे फरवरी में पैसे देने की 100% गारंटी लेते रहे थे, क्योंकि हमें अंडरग्राउंड इस सारे खेल का पता था कि ये खेल अब कौन सा खेलने वाला है। तीन राज्यों से हारने के बाद अब ये रिफंड प्रक्रिया को केवल ये कहेंगे कि आप अपने सभी रिफंड प्रक्रिया चालू करें, सभी आवेदन दे दें और प्रॉपर्टी बिकती रहेगी, आपको पैसे देते रहेंगे। इस तरीके का झांसा इन लोगों ने हम लोगों को दिया है, तो झांसे में हम नहीं आने वाले। दोस्तों अपने संगठन को संगठित कीजिए, बस मेरा यही कहना है। ज्यादा आपका टाइम खराब ना कर दोस्तों मैं आपसे अपनी इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही कहता हूँ कि दोस्तों एकता में ही अनेकता है और हमारी सबसे बड़ी जो एकता है, पल्स निवेशक हो या साई प्रसाद के हो या किसी भी कंपनी, अगर कंपनी कितनी है, लगभग 3000 से ज्यादा कंपनी पीड़ित है इस सरकार से, उन सब से ही हमारा आग्रह है कि वो अपने आप को संगठित बनाकर रखें और एक दूसरे से लिंक जोड़ कर रखें, ताकि जब भी हमारा कहीं बल दिखाना हो, कहीं पर हमें अपना संगठन को दिखाना हो कि हमें आज जंतर मंतर पर संगठित होना है और अपने संगठन को दिखाना है कि हम कितने बलशाली हैं, तो दोस्तों एक दूसरे का साथ ना छोड़ें। इसी के साथ आप मुझे इजाजत दीजिए, अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और दोस्तों जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों इसी के साथ यह इजाजत दे, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।